सदियों पहले जापान में नाइलॉक मॉन्स्टर्स ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया और समुराई योद्धाओं ने उन्हें हरा दिया उन पावर सिंबल्स की मदद से जो उन्हें उनके जन्मदाता से मिले थे। अब शैतानी नाइलॉक ने एक बार फिर सर उठाया है और वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं, पर उनके रास्ते में खड़ी है हीरोज की एक नई युवा पीढ़ी जिन्हें कहते हैं पावर रेंजर्स समुराई। वो बेकार इंसान तो बस एक छोटा सा लड़का है, वो भला उन महान रखवालों में से एक कैसे हो सकता है? उसके लोग 300 सालों से बुल जॉर्ड की बेजोड़ ताकत की रखवाली करते आए हैं। उसके बाहरी दिखावे से धोखा मत खाओ, उसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो अब तुम्हारा काम है उस बुल जॉर्ड को मेरा बनाना। पर बुल जॉर्ड को कहीं छिपाया गया है, वो कहीं बंद है। तो फिर उसे ढूंढ कर उसे आजाद करो, वो लड़का ही तुम्हें उस बुल जॉर्ड तक पहुंचाएगा। काम पूरा होने तक मैं साए की तरह उसका पीछा करूंगा। ये काम होना चाहिए क्रिस्टोर, नाकाम हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। ये उस पजल का एक जरूरी हिस्सा है। मेरा महान प्लान अब आकार ले रहा है, जल्द ही सब मेरी ताकत के आगे घुटने टेकेंगे। Jaden. Huh, Mia. Mike. Huh, Kevin. Huh, Emily. Antonio. बच्चों सब कैसा रहा? ठीक ही रहा। क्या आपने दरवाजा खुला छोड़ा? नहीं। हेलो, तुम जरूर रेड रेंजर हो। मुझे तुम्हें ये देना है, मैं चाहता हूँ तुम बुल जॉर्ड को आजाद करो। कोरी, क्या तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम यहाँ हो? नहीं, मैं बिना बताए आया हूँ। कोरी का परिवार इस दुनिया में आने वाले सबसे पहले जॉर्ड की रखवाली करता है, एक बुल जॉर्ड जिसमें असीम ताकत है। कोरी का परिवार 300 सालों से उसकी रखवाली कर रहा है। वो बुल जॉर्ड हमारी दुनिया में आया तो था सिंबल पावर के जरिए, पर वो आपे से बाहर हो गया और हर तरफ तबाही मचाने लगा। इसलिए महान शोगन ने उसे एक खुफिया जगह पर बंद कर दिया। सिर्फ उनका परिवार ही वो जगह जानता है। बुल जॉर्ड बुरा नहीं है, वो बस आजाद होना चाहता है। बस एक बात, मैं वो सील तोड़। रुको, तुम ऐसे जॉर्ड को आजाद करना चाहते हो जिसने हर तरफ तबाही मचाई थी? वो अब ऐसा नहीं करेगा, उसे इस डिस्क से कंट्रोल कर सकते हो। हमें इस पर थोड़ा सोचना होगा। हम तुम्हें घर ले चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? हम हैं। मैं जानता हूं तुम कौन हो। मेरा बेटा तुमसे मिलने गया था। तुम इनके पीछे क्यों छिप रहे हो कोरी? तुम मुझे बिना बताए चले गए। क्योंकि मैं बुलजॉर्ड को लेकर परेशान था डैड, वो इस तरह से बंद नहीं रहना चाहता, मैं महसूस कर सकता हूँ, और रेड रेंजर उसे आजाद करने में मदद कर सकता है। उस जॉर्ड पर कोई काबू नहीं कर सकता कोडी, ये रेड रेंजर भी नहीं। तुमने अपने साथ साथ रेंजर्स को भी खतरे में डाल दिया, तुमने यहाँ सभी को खतरे में डाल दिया।
खैर अब चलो काम पर लगो। माफ करना तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? डैड कभी नहीं सुनते और रेड रेंजर भी नहीं समझता। बुल्सहॉट किसी का कुछ नहीं करेगा, मैं ये साबित करूंगा। तो ये है महान शोगन। कोड़ी को जॉर्ड की बहुत परवाह है ना? उसने 3 साल की उम्र से ही बुल्सहॉट से बात करना शुरू कर दिया था। उसे लगता है वो उसे समझता है। आपको क्या लगता है? हो सकता है, पर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। तीन सौ साल पहले महान शोगन ने यह काम हमें सौंपा था, वो है जी जान लगाकर बुल्सहॉट की रखवाली करना। उनका हुक्म था कि उसे बंद ही रखा जाए, आज कल हमेशा हमेशा के लिए। घोड़ी कहीं चला गया। बड़ों को लगता है बच्चे कुछ नहीं जानते, पर मुझे पता है ये डिस्क बुल्सहॉट को काबू में कर सकती है। बस ये डिस्क उसे एक बार पहाड़ी से बाहर ले आए। बहुत अच्छे रखवाले, तुम खुद ही मुझे मेरी मंजिल तक ले चलो। तो उस बुल्सहॉट का कॉकपिट वहां अंदर है। मुझे पता है तुम भी बाकी सब की तरह आजाद होना चाहते हो, लेकिन अगर मैंने ये सील तोड़ा तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कुछ बुरा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। वादा? ठीक है, अब वक्त आ गया है सील को तोड़ने का। उम्मीद है इससे बात बने। वाओ, बात बन गई। चलो अब तुम आजाद हो। खेल शुरू हुआ। ये नहीं हो सकता। ओह नो, मुझे इसी बात का डर था। उसने सील तोड़ने का तरीका पता कर लिया है। वो बुल्सहॉट पहाड़ी से बाहर निकल रहा है। उस लड़के के अब भी बुल्सहॉट के अंदर होते हुए उन दोनों को पकड़ना बड़ा ही आसान होगा। ये लो, ये डिस्क तुम्हें तुम्हारी सारी ताकत वापस दे देगी। हो गया, अब बस मुझे वो पावर सिंबल बनाना है। फिक्र मत करो, वो सिंबल पावर तुम्हें शांत कर देगा। रेडी? इससे बात क्यों नहीं बनी? ये बुल्सहॉट रुक क्यों नहीं रहा? मुझे पता था यही होगा। कोई उस पर काबू नहीं कर सकता और अब कोई उसे रोक भी नहीं पाएगा। हम उसे फिर से तबाही मचाने नहीं देंगे। हमें कोशिश करनी होगी। समराइजर, गो गो समराइज, गोल्ड पावर। बुल्सहॉट रुको, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बुल्सहॉट और उसके अंदर फंसे लड़के को पकड़ लो। मुझे वो दोनों सही सलामत चाहिए। पकड़ो उन्हें, हमें उनकी ताकत की जरूरत है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया?
से खेलना बंद करो, पकड़ो उन्हें। लगता है नायलॉग भी बुल जॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोडी उसके अंदर है, हमें उसे बचाना होगा। लॉयल फोल्डिंग जॉर्ड, कैनन फोल्डिंग जॉर्ड, मेल फोल्डिंग जॉर्ड, एग फोल्डिंग जॉर्ड, टर्टल फोल्डिंग जॉर्ड, मेगा मोड पावर। मैं तैयार हूँ, क्लॉजो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लॉ बैटल जॉर्ड ईस्ट, चलो हो जाए। जरा देखो तो, वो बुलजॉर्ड भाग रहा है। चलो हटो सिपाहियों, क्लॉ बैटल जॉर्ड साउथ, अब चलो उन्हें दिखा दे। तुम सिपाहियों की तो अब खैर नहीं। हमें इन सिपाहियों से निपटते हुए बुलजॉर्ड तक पहुंचना होगा। हे, ये हमें रोक रहे हैं। बुलजॉर्ड वापस आ गया। क्या हो रहा है? यह आवाज कैसी है? ओह नो, उन्होंने उसे पकड़ लिया। हमें कोड़ी को बचाना होगा। देखो वो छूट गया है। बुलजॉर्ड रुक जाओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? तुम्हें इस बुलजॉर्ड को उसके सींगों से पकड़ना होगा, मैं सिपाहियों से निपटता हूँ। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। बुलजॉर्ड प्लीज, मेरे दोस्तों को चोट मत पहुँचाओ। रुको, नहीं जाओ। हम पीछे नहीं हट सकते, हमें इस चीज पर काबू करना ही होगा। मिया, जरा इसका दिमाग ठिकाने लगाने की कोशिश करो। वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि हम बुल को रोक नहीं पा रहे, हमें इस पर सवार होने की कोशिश करनी होगी। पकड़े रहना, बस एक बार ये चेन्स मेरे हाथ में आ जाए। ओह नो, क्या हो रहा है? वो हमला कर रहा है, हम और वार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ताकतवर है। उस बुलजॉर्ड को पकड़ना उतना आसान नहीं जितना सोचा था। मुझे लगा था मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे लगा था मैं तुम पर काबू कर लूंगा, पर तुम तो जंगली हो और अब तुम रुक ही नहीं रहे। ये मुझसे क्या हो गया? वापस आओ। ये तो ऐसा है जैसे कोड़ी बिना ब्रेक की गाड़ी में फंस गया हो। बचाओ! हमने कोड़ी तक पहुंचने की कोशिश की, पर वो जॉर्ड भाग गया। हम उसे ढूंढ लेंगे कैसे भी। उसे मेरी बात माननी चाहिए थी, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उसका नाता बुलजॉर्ड के साथ साथ हमारे जॉर्ड्स के साथ भी बहुत मजबूत है। उसका पता लगाने के लिए हम जॉर्ड्स को बाहर भेज देते हैं और हम कल फिर से कोशिश करेंगे। इंसानी दुनिया में तहलका मचाता हुआ एक बेलगाम जॉर्ड, उसके बारे में और बताओ। खबर अच्छी नहीं है, क्रस्टर ने उस जॉर्ड को खो दिया। मैं उसे फिर से ढूंढ लूंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। सरेटर ने बड़े इनाम का वादा किया है और मैं उसे लेकर रहूंगा, देख लेना। हाँ, वो तो देखा जाएगा। सरेटर बड़े बड़े वादे करता है और फिर क्रस्टर से सारा काम करवाता है। हाँ, और सब कहते हैं मैं कपटी हूँ। सरेटर कैसे भी उन इंसानों को डरा सकता है, जरूरी यह है कि वो मेरे कहे मुताबिक चले।
उम्मीद है जॉर्ड्स तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। कोडी, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं बेटा। अरे देखो, जॉर्ड्स लौट आए हैं। उन्होंने जरूर कोडी का ठिकाना मालूम कर लिया होगा। चलो चले। रुको, ये ले जाओ। यही वो ओरिजिनल पावर डिस्क है जिसके इस्तेमाल से मेरे पूर्वजों ने 3 साल पहले बुल जॉर्ड को बनाया था। उस पर काबू पाने का यही एक मुमकिन जरिया है। हाँ, वो रहा वहां। आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। हाँ, उन्होंने भी उसका पता लगा लिया होगा। हे, बेवकूफो! ओह, तो तुम हो। उन्हें बुल जॉर्ड तक पहुंचने मत देना। कोडी को बचाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। Go go samurai! Ha! Guard power! Ha! Ha! Go go samurai! Go go samurai! उन्हें उलझाए रखो, तब तक मैं उस बुलजॉर्ड और बच्चे को पकड़ लेता हूँ। मुझे कोडी की मदद करनी है। जाओ जेरिन, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। हाँ। तुम उसे रोको। वो रहा मेरा बुलजॉर्ड, अभी पकड़ता हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। तुम ही आजाद होना चाहते थे, पर अगर अब तुम नहीं रुके तो वो तुम्हें फिर से बंद कर देंगे, और इस बार हमेशा के लिए। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ रखवाले। हाँ? अब रास्ते से हट जाओ। बुलजॉर्ड को अब मैं चलाऊंगा। हाँ? और इसके इस्तेमाल से मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। बच्चे को धमकाने की हिम्मत कैसे की? अरे, ये तो फिर से भाग चला है। ये तो खाई की ओर जा रहा है। ओह नो, ये तो खाई की ओर जा रहा है। ये तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था। उन्हें तुम पर भरोसा है कोडी, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अपने सिंबल पावर का इस्तेमाल करो और इस जॉर्ड पर काबू पाओ। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हार मत मानो कोडी, तुम कर सकते हो। अब भी कुछ नहीं हो रहा। ध्यान लगाओ, सुपर सामुराई मोड। चलो कोडी, फिर से कोशिश करो। बुलजॉर्ड हमें सुरक्षित जगह ले जा रहा है। तुमने कर दिया, तुमने इसे शांत कर दिया कोडी। हमने कर दिया। बहुत अच्छे, अब देखते हैं ये पुल डिस्क क्या कर सकती है। महान शोगन, तुमने अपने पूर्वजों की ताकत को जगाया है। अब से हमेशा के लिए हमारी ताकत बन गई है तुम्हारी ताकत। कोडी, अगर बुलजॉर्ड हमारा नहीं हो पाया तो किसी और का भी नहीं होगा। ये लो कोडी, तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया। हम नहीं चाहते तुम्हें कुछ हो, मॉन्स्टर से हम निपट लेंगे। मैं समझता हूँ,
थैंक्स कि तुमने मुझ पर यकीन किया और बुलजॉर्ड पर। तुमने बढ़िया काम किया पर तुम्हें घर जाना चाहिए। सिंबल पावर घर। अब खोला जाए बुलजॉर्ड का मेगाजॉर्ड मोड। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मेगा मोड पावर बुलजॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस नाइलॉक को ठिकाने लगाया जाए। बुल मेगाजॉर्ड लड़ने के लिए तैयार। यकीन नहीं हो रहा वो बुल मेगाजॉर्ड और जेडन उस नाइलॉक का बैंड बजाने वाले हैं। आ जाओ। तुम हार गए नाइलॉक। तुम सपने में भी इस मेगाजॉर्ड पर काबू नहीं पा सकते थे। माना मैं काबू नहीं पा सका पर एक बुल मेरी आग के तूफान के आगे नहीं टिक पाएगा। फायरस्टॉर्म। तो फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हें दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं आता। शोल्डर ब्लास्टर। क्या इस पर कोई असर नहीं हुआ? बस बहुत हुआ इसका नाटक। शोगन मोड। पूर्वजों की ताकत बुलडेस पावर अप। ओह नो, ये तो कुछ और ही है। रिवॉल्विंग लेजर ब्लास्टर फाइनल स्ट्राइक। समुराई रेंजर्स जीत हमारी हुई। जेडन तुम्हारा जवाब नहीं। क्या बात है। लो हो गया बिल्कुल नए जैसा। थैंक्स डैड। मुझे तुम पर नाज है बेटा। हमारे पूर्वजों को भी तुम पर नाज होगा। हम गलत वक्त पर तो नहीं आए ना। हे दोस्तों, जाने से पहले हमें तुमसे मिलना था। अब हमें नाइलॉक से लड़ने के लिए एक नया हथियार मिला है। तुम फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। अरे नहीं, मैं तो तुम सबकी और मदद करना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ नए आइडियाज हैं। सबसे पहले तो मैं शांत हो जाओ कोडी, अभी के लिए तुम काफी कर चुके हो। फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है। सही कह रही है, पर हो सकता है हम जल्द ही तुम्हें बुलाएं। दोस्त की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है ना।